कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने अहमदाबाद थाने में आवेदन देकर के मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की मां ने अपने आवेदन में कहा है कि वो अपनी बेटी के साथ पश्चिम बंगाल के भालुका जा रही थी और इसी दौरान अचानक पीछे से बाइक सवार दो लोग आए और मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। भागने के दौरान उन्होंने एक आरोपी की पहचान की है और उसके साथ ही गांव का रहने वाला ये बताया जा रहा है। छह दिन बाद भी उनकी बेटी का जब एक तरफ पता नहीं चल सका है तो वही महिला ने अहमदाबाद थाने में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। मामला यही था कि हम लोग तो नमा बेटी जा रहे थे भोलका और गोविंद बान से नीचे उतरे, पैदल जा रहे थे। इसी टाइम उधर इधर से निकला और गोद में उठा के गाड़ी में बैठा लिया, लेके चल गया। कौन? यही अमरजीत चौधरी उर्फ सोनू चौधरी। कहाँ का रहने वाला है? यही बगले का, गोपालपुर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम वहाँ से आए, यहाँ खबर किए, इसको मम्मी पापा को जाना है तो उसको मम्मी पापा उल्टा पुल्टा गाली देने लगा। बोला कि हम टाइम लेते हैं, इतना लेते लेते आज इतना दिन बीत गया है, की किया नहीं किया, आज इतना दिन मारा की पीटा। इसके बाद से हम थाना में भी दे रहे, हम लोग खोजबीन किए जहाँ तक सके, तहाँ तक खोजबीन किए। तो थाना में जो आवेदन दिए तो उसमें किसने हुआ है? थाना में आवेदन दिए हैं, कुछ नहीं, बच्चा चाहिए मेरा, जैसा भी रहे, वो लोग मारा की धीरा की किया नहीं किया। मामला सर यही था कि मतलब कि जिस दिन मेरे बच्चे के साथ में ये ऐसा हादसा हुआ तो हमको खबर मिला, हम उतरे गाड़ी से, ट्रेन में हम काम करते हैं बेटरगिरी, जैसे सुने वैसे हम गाड़ी छोड़ करके हमने घर आए देखते हैं मामला पूरा, मतलब कि मेरे वाइफ जो है पूरा रो रही है। तो हम पूछे क्या हुआ तो बोला ऐसे ऐसी घटना है, मेरा घर के बगल का एक पड़ोसी अमरजीत चौधरी जो है वो जो है मतलब कि लड़की को लेकर के फरार हो गया। अभी तक लड़की जो वो लोग को पूछे बोले कि मतलब मेरा लड़की चाहिए, तो वो लोग बोला कि दो चार दिन रुको, हम मतलब मरामत कर देंगे। दो चार दिन के बदले छः दिन हो गया, अभी तक कोई तरह का ये नहीं है। हम लोग भी हर जगह मतलब फोन फान दौड़ धूप सारा कुछ कर रहे हैं और बच्ची मेरी 13 साल की है तो मतलब कि आखिर में बच्ची चाहिए ना, उतनी छोटी बच्ची को डर बना हुआ बोलते हैं तो गाली गलौज करके अभी घर से फरार है ये लोग, पूरा ताला चाबी लगा करके घर से फरार है।